ओके नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगोनिस्ट. सो एएनएस चैप्टर में बीटा अगोनिस्ट ड्रग्स हम देख रहे हैं. बीटा अगोनिस्ट मतलब कहाँ कहाँ यूज होते हैं? आस्थमा में यूज होगा बीटा टू अगोनिस्ट, सबसे वेल नोन थेरेपी वही है. ठीक है, सबसे चालू करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर लेंगे आइसो प्रो टेरी नो आइसो प्रोटेनॉल. उसमें सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इस रिंग का नाम पहचानो. क्या नाम है इस रिंग का? बेंजीन रिंग. ओ एच और ओ एच के बाजू में एक ओ एच, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कैटेकॉल रिंग. कौन सा रिंग? कैटेकॉल. कैटेकॉल के ऊपर क्या है? कैटेकॉल के ऊपर है कार्बन जिसपे है ओ एच, देन एक और कार्बन, देन एन, एंड देन है आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH CH3. इनकी वैलेंसीज पूरी कर देते हैं. ठीक है, एन के पास एक आएगा एच, सी के पास दो एच, इस सी के पास एक एच. दैट्स इट, दिस इज आइसोप्रोटेरिनॉल. आइसोप्रोटेरिनॉल से दो स्ट्रक्चर्स मुझे डिराइव करने हैं. पहला स्ट्रक्चर मैं लूंगा मेटा प्रो टेरिनॉल. मेटा प्रो टेरिनॉल मतलब यहीं पे सब कुछ छुपा है स्ट्रक्चर का. मेटा मीन्स व्हाट? ओ एच ग्रुप्स आर मेटा टू ईच अदर. ओ एच ग्रुप्स आर मेटा टू ईच अदर. तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले आप बनाओगे कैटेकॉल रिंग. ये रहा कैटेकॉल. और यहाँ पे चेंज क्या है? चेंज है कि ये वाला ओ एच यहीं रखता हूँ मैं, इस ओ एच को उठा के यहाँ कर देता हूँ. तो नाउ दे आर मेटा टू ईच अदर. राइट है, अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सेम एज आइसो प्रोटेनॉल. सो सी एच ओ एच सी एच टू एन एच, और एन एच पे कौन है? आइसो प्रोपाइल यूनिट. खत्म. कैटेकॉल यहाँ पे साइड से मिल लेगा मेटा प्रोटेनॉल. ठीक है, खाली कैटेकॉल रिंग के ओ एच ग्रुप्स के पोजिशन में चेंजेस किया मैंने. ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्राइव किया आइसोप्रोटोनॉल से. आइसोप्रोटोनॉल से दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्राइव कर रहा हूँ जिसका नाम है थर्ड स्ट्रक्चर, जिसका नाम है कोल्टेरॉल. कोल्टेरॉल में क्या करूँगा मैं? अगेन बेसिक रिंग क्या है मेरा? और देखो कोल्टेरॉल के लिए पहले हिंट ले लेते हैं. कोल्टेरॉल के लिए मुझे इस टर को देखना है. टर मतलब क्या? टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आने वाला है. मेटाप्रोटोनॉल आपने इसमें क्या चेंज किया कि आपको मेटाप्रोटोनॉल मिला? आपने ओएच के पोजीशंस को एक दूसरे के मेटा पे रख दिया. कोल्टेरॉल के लिए आपको इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे आइसोप्रोपाइल के बदले टर्ट ब्यूटाइल लेना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम. ठीक है, ओएच भी एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है. ऊपर के ग्रुप्स को आपको एज इट इज लिखना है. कैसे? सी एच ओ एच सी एच टू एन एच. अब जाना आइसोप्रोपाइल के बदले टर्ट ब्यूटाइल, मतलब क्या? सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री. दिस इज नथिंग बट टर्ट टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. सो मैंने टी ई आर ग्रीन में लिखा था, आपको समझ में आया ये रहा टर. ठीक है, नाउ कोल्टेरॉल से नेक्स्ट टू स्ट्रक्चर्स. कोल्टेरॉल में चेंजेस करूंगा और नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर्स में डिराइव करूंगा. तो कोल्टेरॉल से नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है? स्ट्रक्चर नंबर फोर, टर्ब्यूटालीन. टर्ब्यूटालीन आपको कहाँ मिलता है? आपके घर में कफ सिरप होंगे, कफ सिरप में. कौन से कफ सिरप में? कफ सिरप फॉर वेट कफ, यहाँ पे आपको मिलेगा. दिस इज नथिंग बट ब्रोंकोडायलेटर. ब्रोंकोडायलेटर या ताकि आपका स्पूटम ज़्यादा इजिली बाहर आ जाए वाइल कफिंग. ठीक है, म्यूकोलाइटिक के एक्शंस को ये हेल्प करता है. टर्ब्यूटालीन के लिए कहाँ से डिराइव करूँ मैं पहले वो पूछो? कोल्टेरॉल से. सो कोल्टेरॉल वाला सेम स्ट्रक्चर मुझे पहले बनाना है टर्ब्यूटालीन में. चेंज खाली क्या करना है? कोल्टेरॉल में क्या चेंज होगा? ये मेटा वाला, इन दोनों को मेटा पे कर दो, बाकी सब कुछ सेम रखना है. टी आर इसमें भी आ रहा है, मतलब टर्ड ग्रुप इसमें भी रहेगा. ठीक है, सो चेंज खाली क्या करना है? ओ एच को एक दूसरे के मेटा पे जाके रख दो. सो ये रहा एक ओ एच, इसको चेंज नहीं करना है, सो यहीं रखूंगा. इसको चेंज कर दिया, बाकी सब सेम. सी एच ओ एच सी एच टू एन एच. एन एच के बाद क्या आएगा? टर्ड ब्यूटाइल.
CH3 because of this tert. ये देखो tert butyl, tert butyl यहाँ दिख रहा है, I change क्या किया, colterol में के दोनों OH को meta पे रख दिया, so मुझे क्या मिल गया tert butyl. Isoproterenol के दोनों OH को मैंने एक दूसरे के meta पे रखा तो मिल गया metaproterenol. Iso को हटा के tert डाला तो मिल गया colterol. Tert को सेम रख के खाली इन दोनों को वापस meta ले लिया तो बन गया tert butyl. नेक्स्ट कोल्टेरॉल में ही अगला चेंज करूंगा और मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर नंबर 5 जिसका नाम है अलब्यूटेरॉल. क्या नाम है? अलब्यूटेरॉल. कैसे बनाऊंगा इसमें? तो क्या चेंज है? नो अदर चेंज एक्सेप्ट, देखो दो जो कोल्टेरॉल से जो दो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं दोनों में OH में चेंजेस होता है. पहले वाले में मैंने OH को दूर दूर किया और दूसरे वाले में एक OH को मुझे बना देना है CH2OH. इंस्टेड ऑफ OH ये बन जाएगा CH2OH, बाकी सब कुछ सेम. CHOH CH2NH एंड देन आ जाएगा CH3 चेंज क्या हुआ? खाली ये हुआ चेंज. यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ चेंज. ये दोनों चेंजेस जो मैंने डिराइव किया कोल्टेरॉल से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर्स देखते हैं. नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर किसके हैं? ओके ठीक है, वो नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं. ठीक है, इसमें अभी स्पेस नहीं है.